और ये ठीक रहेगा, मैं भी उसे क्रॉस एग्जामिन करने आ जाऊंगा, आखिर दिस इज माय एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। बाबूजी, पिछले फ्राइडे को तनेजा बिल्डर्स के जिस राइट हैंड आदमी को मैंने पकड़ा था, ये भाई साहब उसका केस लड़ रहे हैं। आरोही चीकू को मिलने जा रही है, राजवीर की शादी में 10 दिन भी नहीं बचे, पर किसी को कोई फिक्र ही नहीं है। बीजी मेरी, जाओ अपना झगड़ा लेके बाहर जाओ। पर वो सुन, किसी मंदिर में मिल लो तुम। मंदिर मंदिर मंदिर, तुम एक काम कर, तो अपने हनीमून के लिए चार धाम की यात्रा पे चली जा। मंदिर जाओ, घंटी बजाओ, चिकू का होगा, बजने दे, उठाना मत। ओके बी कूल, ओके भाव शाव खा। हेलो, हाय आरोही, दिस इज सिद्धार्थ। सॉरी मैं तुम्हारे अंकल के रोके पर नहीं आ पाया। आरोही, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आर यू फ्री राइट नाउ? तो एक घंटे में मॉल पे मिलते हैं, एट कॉफी वर्ल्ड। Shopping? Yes, bro. You need to shop. Come on, check your wardrobe. So outdated. So sucks. अगर आप ये कपड़ा पहन के बाहर जाओगे, सब आपको old school का कोई headmaster समझेंगे। फिर क्या लगूंगा? Headmaster, please भैया, आपकी ये हाथ छोड़ो, आपकी ये हाथ सर पे अच्छी लगती है, गर्दन पे नहीं, छोड़। Shopping बोलेगा आज के बाद? Never. Tailor die, please. Never say die. Okay, thank you. अरे रोमित, तुझे क्या हुआ? कुछ नहीं, तेरे फेवरेट भाई ने मेरी गर्दन तोड़ दी। मैंने कहा कपड़े पुराने हो गए हैं, शॉपिंग कर लो, गर्दन ही पकड़ के बाहर निकाल दी। मैं इससे बात करती हूँ, चल। चल। अर्जुन, मुझे तुम्हारा वार्डरोब देखना है। इनफ, मैं तुम्हें शॉपिंग पे भेज रही हूँ। बद्दी, मुझे कपड़ों की जरूरत नहीं है। तुम मॉम डैड की खुशी के लिए बहुत कुछ करते हो, आज तुम्हें मेरी खुशी के लिए भी कुछ काम करना पड़ेगा। जाओ जाके शॉपिंग करो। जाना पड़ेगा, नहीं तो दी नाराज हो जाएगी। उनको नाराज नहीं कर सकता मैं। पूरी दुनिया में सबसे सोना है मेरा पुत्र चीकू। ले पुत्र, चीकू शेक पी ले। माँ, सबकी तरह चीकू मेरा भी फेवरेट है, लेकिन चीकू मिल्कशेक का पूरा ग्लास? माँ, मैं ऐसे नहीं पी सकता, इट्स रियली फैटनिंग। पुत्र, तेरी स्किन के लिए कितने चंगा है ये। वाह जी वाह। माँ, यू नो समथिंग, मुझे प्यार हो गया। क्या? परफेक्शन से। मुझे लगता है कि हर इंसान को परफेक्ट होना चाहिए। तू है ही एकदम परफेक्ट। पता है आरोही कितनी लकी है ना, जो तू उसे देखने जा रहा है, मुंडा एकदम परफेक्ट है। अभी नहीं माँ। अब बन गया तुम्हारा बेटा परफेक्ट। आरोही, हाँ बेटा सुन, अगर उसने बोला है कि गेट के पास खड़े रहना है तो गेट के पास ही रही। पता है मुझे, मैं उसे खुद बात कर लूंगी। नो वे, तू लड़के को पहली बार मिल रही है, लव का गाइडेंस तो चाहिए। फोन इधर ला। इधर ला फोन। सुन, तू तो पहले रिलैक्स कर, लंबी सांस ले, आंखें बंद कर बेटा, अपना मेकअप शेकअप टचअप कर ले, आस पास ही होगा तेरा लव बॉय। कोई अभी अभी आया, शायद वही है। अगर यही है तो बड़ा केयरिंग है।
एक आंटी की ना उसकी गाड़ी से टक्कर हो गई। बहुत कंसर्न लग रहा है। संस्कार है? ओ गॉड, सब सब ठीक तो है? ओ थैंक गॉड, मेरी कार को कुछ नहीं हुआ। कहीं लगी तो नहीं? अगर लगी नहीं तो आप जा सकती हैं। बड़ों की इतनी इज्जत। I'm impressed. अरे 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 चीकू। हाय हाय। सो व्हाट डू यू थिंक? किस बारे में? मेरे बारे में? क्या मैं बिल्कुल वैसा हूँ जैसे तुमने इमेजिन किया था या फिर उससे भी बेटर? तो बताओ कैसा लग रहा हूँ मैं? अच्छे लग रहे हो। हमेशा की तरह। After all, I'm Mr. Right. वैसे मैं तुम्हें बताना भूल गया, तुम भी काफी अच्छी लग रही हो। Thank you. ये ड्रेस थोड़ी ओल्ड फैशन है लेकिन अच्छी है। रे उसे नया फैशन दिखा दे, उसके गाल पर किस कर दे। ये ना कहे कि तू मॉडर्न नहीं है, देहाती है। ना बेटा, उसे टच नहीं करना। तो चले? After you. Mornings में मैं bright colors prefer करता हूँ, जैसे orange, yellow. Afternoon में pastel colors for lunches and meetings, you know. और रात को मैं usually discotheques और clubs में होता हूँ. तो nice party formals for me, you know. वैसे तुमने अपने बारे में ज्यादा कुछ बताया नहीं, हाँ? हाँ, मैं अपने बारे में. मैं भी अपने बारे में ज्यादा बात नहीं करता. थोड़ी सी mystery maintain करना बहुत जरूरी है. So, what would you like? Anything in the store? अरे ज्वेलरी ले ले, घड़ी ले ले। तो एक मुझे दे देना। अभी मंदिर चली जा। मेरी छोड़ो, तुम्हारी शॉपिंग करती हूँ। How sweet of you. देखो, मैंने ट्रायल रूम में लेकर जा रहा हूँ। इन्हें देखकर तुम्हें मेरी चॉइस के बारे में पता तो चली गया होगा, but मैं तुम्हारी चॉइस देखना चाहता हूँ। So, will you pick up some shirts for me? Sure. Good. सब चटाक रंग चुन के देना उसे। क्या गोरा चिट्टा है अपना चीकू। आप लोग प्लीज मुझे मेरे हाल पे छोड़ेंगे अब? आपके लिए शॉपिंग करना बिल्कुल आसान है। आप सिर्फ तीन ही कलर का पहनते हो, ग्रे, ब्लैक या व्हाइट। वैसे हम ये कपड़े ट्रायल रूम में रखवा देते हैं, बाकी के आप कपड़े सेलेक्ट कर लो बॉस। कौन है? सॉरी अंकिल। यस। अरे बॉस, ये आप लोग क्या कर रहे हो? ये इसका स्टाइल है। अपनी स्टाइल में थोड़ी सी मिठास लाइए। ये इसका मिठास का ही स्टाइल है। कड़क देखेगा ना तो मर जाएगा। चल जाए इधर से। नो फाइटिंग, नो फाइटिंग। पीस पीस, अब पीस, ऑलवेज पीस। देख, लाल रंग उस पे बहुत जचेगा। नो लाल रंग दीजिए। भाई सब कपड़े ने सेट कर दिया, ट्राई करो, मैं और लेके आता हूँ, ठीक है? मैंने चीकू के लिए कपड़े पिक कर लिए हैं और अब मैं उसके ट्रायल रूम के बाहर हूँ। अब तो एक काम कर, ट्रायल रूम के अंदर घुस जा। अरे गड्डी खरीदने से पहले टेस्ट ड्राइव तो जरूरी है ना। चुप कर तू, कोई गड्डी वड्डी नहीं खरीदनी तेनो। अंदर ना जाए। हाथ पर है। हाथ ही पकड़ ले। हाथ नहीं पकड़ना, छोड़ दे हाथ।
ठीक है। कपड़े ले। दिमाग खराब हो गया तुम दोनों का। ये कपड़े पहनूंगा मैं, निकलो यहाँ से, मैं अपने कपड़े खुद खरीदूंगा। अरे यही तो कपड़े पहनते हो हमेशा, वही तो लेके आए यार, तुम चले जाओगे। आपको पता है चीकू ने मुझसे कैसे बात की है और कपड़े फेंक दिए? पता नहीं क्या हुआ है उसे, वैसे तो इतना केयरिंग लड़का था। कोई कंफ्यूजन हो गया होगा बच्चे? कंफ्यूजन तो होगा ही ना, आप सब लोग मेरे कान में ऐसे बोलते रहोगे, इट्स नॉट हेल्पिंग। आपकी गाइडेंस से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, अब मैं खुद डिसाइड करूंगी, मैं खुद हैंडल कर लूंगी, बस बाय। गुस्सा इतना अजीब, पर पता नहीं क्यों उसको छूकर ऐसा क्यों लगा कि मैंने उसे नहीं बल्कि अपने अंदर किसी एहसास को छू लिया। ये मुझे क्या हो रहा है, ये सच है या सपना है? पर सपना तो छूने से छूट जाता है ना, ये तो शुरू हुआ।